है दोस्तों आपका ई डेयरी के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंडेंस मिल्क और एवपरेटेड मिल्क बनाने के फ्लो डायग्राम और प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों कंडेंस मिल्क यानी स्वीटन कंडेंस मिल्क या फिर एवरेटेड मिल्क यानी अनस्वीटन कंडेंस मिल्क बनाने की प्रोसेस का पहला स्टेप रिसीविंग ऑफ मिल्क होता है और जो मिल्क रिसीव कर लिया जाता है उस मिल्क का हम क्लोटन बॉइलिंग टेस्ट और अल्कोल टेस्ट करते हैं ये टेस्ट मिल्क की हीट स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं ताकि एवरेसन करते टाइम मिल्क की क्लोटिंग ना हो जाए सेकेंड स्टेप में मिल्क रिसीव होने के बाद दूध को अड़तीस से चालीस डिग्री टेम्परेचर पर फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन से पास किया जाता है और इस स्टेप स्टेप में में रिमूव हो जाते हैं और थर्ड दूध की स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है स्टैंडर्डाइजेशन करने से फाइनल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड लीगल से मैच कर जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मेनली तीन स्टेज में होती है पहली स्टेज में हम फैट और एसनफ रेसो को एडजस्ट करते हैं दूसरी स्टेज में हम एडिड शुगर और टोटल मिल्क सॉलिड को डिजाइड रेसो के अनुसार सेट करते हैं और ये जो दूसरी स्टेज होती है वो सिर्फ कंडेंस मिल्क में की जाती है तीसरी स्टेज में हम फिनिश कंडेंस मिल्क की जो टोटल सॉलिड कंसेंट्रेशन होती है उसको एडजस्ट करते हैं होने के बाद हम दूध को प्रीट करते हैं या फोर वार्मिंग भी कह सकते हैं जो कि लगभग 115 से 118 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है इसमें हम मिल्क को इस टेम्परेचर पर होल्ड नहीं करते जो यहाँ तक के स्टेप हैं वो कंडेंस मिल्क और इवेप्रेट मिल्क में लगभग सिमिलर होते हैं इसके जो बाद का स्टेप है वो कंडेंस मिल्क में एडिशन ऑफ शुगर होता है दोस्तों शुगर कंडेंस मिल्क में प्रेजर्वेशन का, का काम करती है और जो शुगर डाली जाती है वो मिल्क की वॉल्यूम के अठारह से बीस परसेंट शुगर डाली जाती है और जो कि फिनिश कंडेंस मिल्क में चालीस से पैंतालीस परसेंट शुगर होती है कंडेंस मिल्क में जनरली सिक्सटी टू पॉइंट फाइव टू सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट शुगर रेसो का यूज़ किया जाता है और इस शुगर रेसो को मेंटेन करने पर दो फायदे होते हैं एक तो माइक्रोवेव ग्रोथ नहीं होती दूसरा फायदा यह है कि शुगर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती यह स्टेप सिर्फ कंडेंस मिल्क मैनुफैक्चरिंग में आता है दोस्तों तो इसे अगले स्टेप में मिल्क को हीट करके एवेप्रेट किया जाता है ताकि मिल्क कंसनट्रेट हो सके और इस स्टेप को कंडेंस मिल्क में कंडेंसिंग कहा जाता है और इवेप्रेटर मिल्क में इस स्टेप को इवापोरेशन कहा जाता है और ये जो कंसंट्रेशन है वो वन रेशो टू पॉइंट फाइव में की जाती है यानी टू पॉइंट फाइव टाइम्स तक इसकी कंसनट्रेशन की जाती है और इस कंसनट्रेशन को करने के लिए इसमें इवेप्रेटर का यूज किया जाता है जिसमें हम स्टीम की मदद से दूध को कंसेंट्रेट करते हैं इसके बाद के स्टेप में कंडेंस मिल्क और मिल्क दोनों ही प्रोसेस में होमोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन की जाती है है करने से यूनिफॉर्म फैट हो जाता जिससे कंडेंस मिल्क व वेटेड मिल्क में स्टोर करने के दौरान फैट सेपरेशन नहीं होता होमोजेनाइजेशन फर्स्ट स्टेज में पच्चीसो पी व सेकेंड स्टेज में पांच सौ पर की जाती है होमोजेनाइजेशन जनरली फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाती है होमोजेनाइजेशन करने के बाद सेवन डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग की जाती है कंडेंस मिल्क में कूलिंग के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की जाती है जिसके लिए लैक्टोज का यूज किया जाता है लैक्टोज क्रिस्टलाइजेशन से कंडेंस मिल्क में कंट्रोल टेक्सचर आता है क्रिस्टलाइजेशन के बाद कंडेंस मिल्क पैकेजिंग के लिए रेडी हो जाता है कंडेंस मिल्क को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा टिन कैन में पैक कर दिया जाता है उसके बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है कंडेंस मिल्क को लगभग दस डिग्री सेल्सियस इससे कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है दोस्तों मिल्क में कूलिंग के बाद

जैसे कि कंडेंस मिल्क में शुगर एडिशन प्रेजर्विंग स्टेप था वैसे ही एपरेटेड मिल्क में स्टेरलाइजेशन स्टेप प्रेजर्विंग स्टेप है दोस्तों स्टेरलाइजेशन करने से पहले एपरेटेड मिल्क की पैकेजिंग की जाती है फिर पैकेजिंग होने के बाद उसकी स्टेरलाइसन की जाती है स्टेलेशन लगभग 116 से लेकर 118 डिग्री सेल्सियस की रेंज में 15 मिनट के लिए की जाती है स्टेरलाइजेशन होने के बाद उसकी कूलिंग की जाती है तीस डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग के बाद एपरेटेड मिल्क की सेकिंग की जाती है ताकि एवपरेटरी मिल्क में स्मूथ कंसिस्टेंसी आ सके इसके बाद का जो लास्ट स्टेप है वो है एपरेटरी मिल्क की स्टोरेज करना एवेपरेटेड मिल्क की स्टोरेज लगभग पंद्रह डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो की जाती है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कंडेंस मिल्क व एपरेटेड मिल्क बनाने की प्रोसेस के बेसिक स्टेप के बारे में तो समझ आ गया हुआ और ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को जानने के लिए ई डेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना